नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार में और पूरे उत्तर भारत में इस वक्त सर्दी जो है वो अपने चरम पर है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मतलब पारा डाउन होते जा रहा है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है और देश की राजनीति है, दोनों का ही तापमान जो है ऊंचाइयों को छू रही है। अब सबसे बड़ी खबर अब तक की लेकर आया हूं, आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव के बीच में लगभग कुछ ना कुछ सेटिंग हो गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि तेजस्वी यादव मुकेश साहनी को लेकर के दिल्ली से पटना पहुंचे, एक ही फ्लाइट में दोनों सवार होकर आए, दोनों को पटना एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। आपको बता दूं, आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं कि सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष से बात करते हुए मुकेश साहनी ने पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक उसी तरीके का चुनौती है जिस तरीके का हार्दिक पटेल गुजरात में है। आप बीजेपी के सबसे बड़े उभरते सितारा माने जाते थे, आज बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्यों? देखिए, जो काम हार्दिक पटेल गुजरात में नहीं किया वो काम सानप मल्ला बिहार में करेगा, क्योंकि 2015 में देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम आपके समाज को आरक्षण देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वादा को भूलने लगा है और देश के प्रधानमंत्री निषाद समाज को भूलने लगा है। तो हम उनको याद दिलाने के लिए इस मंच पे से आज उनको आह्वान करेंगे कि आप याद रखें और इस समाज के साथ जो हक अधिकार है वो देने का काम करें, नहीं तो जो गुजरात में हार्दिक पटेल नहीं कर पाया वो बिहार में मुकेश साहनी सनप मल्ला और बिहार का तमाम सनप मल्ला करेगा। यानी कि लगभग वहां पे उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होंगे या विरोध में चुनाव लड़ेंगे। आज जिस तरीके से इन दोनों नेताओं को पटना एयरपोर्ट पर देखा गया, एक साथ मुलाकात करते हुए, एक साथ इन्होंने जिस तरीके से सवार होकर आए हैं, एक ही जहाज में एक ही फ्लाइट में बैठकर दोनों दिल्ली से पटना तक की सफर तय किया है, तो लगभग यह तय माना जा रहा है कि अब मुकेश साहनी यानी कि सन ऑफ मला जो है वो महागठबंधन का हाथ, उनका दामन थामेंगे। इसके साथ ही मुकेश साहनी ने यह भी कहा है कि वो आने वाले 24 घंटे में इस बात का ऐलान कर देंगे कि किस तरीके से उनको किस तरफ जाना है, उनको एनडीए के पाले में रहना है या महागठबंधन के पाले में जाना है। और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बिहार भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नित्यानंद राय, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुकेश साहनी से बात करें, उनको मनाएं और वो अपने पाले में उसको उनको करके रखें। तो अब आने वाले 24 घंटे जो हो बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मुकेश साहनी हाथ का दामन थाम कर महागठबंधन में शामिल होते हैं? आने वाले 24 घंटे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश साहनी हाथ में हाथ मिलाकर महागठबंधन में शामिल होते हैं या फिर भाजपा उनको मना लेती है, अपने पाले में कर लेती है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।